दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपने बयान को लेकर राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने मांग की है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर हो और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो, जिससे कि देश को उनका आशीर्वाद मिले। लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है? 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। वहीं अब इस बयान को लेकर कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी भी सामने आ गई है, जहां एक तरफ बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान की आलोचना करते हुए इसे केजरीवाल का ढोंग बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीएसपी ने नोट पर बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर माँ लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश का, महादेव और राम का आशीर्वाद है। तभी तो जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 11वें स्थान पे था आज से एक दशक पहले, आज वही हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थशक्ति है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है। टुडे इंडिया स्टैंड्स टॉल इन द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इकोनॉमी। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिक कंट्री। टुडेज इंडिया ग्रोथ रेट शोज अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और केवल राजनेता ही नहीं कह रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो विश्व पटल कह रही है कि विश्व भी अगर रेसेशन में चला जाए, और संभावना है कि विश्व रेसेशन में चला जाए, ग्लोबल रेसेशन हो जाए, किंतु लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो इनकी कृपा है और उनका जो परिश्रम है, उसके कारण भारतवर्ष कभी भी रेसेशन में नहीं जाएगा। बाहर से आपने एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी चलाया है, यह उचित नहीं है। 8 लाख रुपए का स्प्रे बनाते हैं पूसा इंस्टीट्यूट में और 24 करोड़ रुपए उस स्प्रे के एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं, उसके प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं, और आप ठीकरा लक्ष्मी गणेश जी पे फोड़ देते हैं कि हमारे देश पर माँ की आशीर्वाद नहीं है। माँ का आशीर्वाद सदैव था, है और रहेगा, अपनी नीयत को ठीक करना होगा। सीएम केजरीवाल की नोट पॉलिटिक्स को अब दूसरी पार्टियां घेरने में लगी हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नोटों की नई सीरीज पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अहिंसा, संविधानवाद और समतावाद एक अद्वितीय संघ में विलीन हो रहे हैं, जो आधुनिक भारतीय प्रतिभा को पूरी तरह से जोड़ देगा। गुजरात चुनाव को लेकर यूं तो सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं। वहीं चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल के इस बयान को हिंदुत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल गुजरात में केजरीवाल की ये नोट पॉलिटिक्स कितना काम आएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।